हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा'स लाइफ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपसे अपना सैटरडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि सैटरडे हमारा कैसा गया, हमने क्या किया। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, इस समय मुंबई में बारिश का सीज़न है और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सैटरडे को लगभग पूरे ही दिन बारिश हुई है, रात में भी बारिश हुई थी। तो ये मेरे बालकनी का व्यू है और हमने एक तरफ से बालकनी को थोड़ा कवर कर दिया है। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट का नहीं रिकॉर्ड किया था, मैं सीधे लंच से आपको शेड्यूल दिखा रही हूँ अपना। तो खाना बनाने के लिए मैं किचन में आ गई थी घर के बाकी काम करके। तो आज सब्जी में बना रही हूँ मैं आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी बनाऊँगी और उसको ही मैं बनाना दिखा रही हूँ कि कैसे घर के काम हम लोग डेली उसमें करते हैं, कितनी जल्दी जल्दी एक साथ सारे काम करने पड़ते हैं हम लोगों को। तो यहाँ मैंने गोभी को काट के उसको गर्म पानी में डाल दिया है जिससे उसमें जो भी कीड़े हों वो निकल आएंगे। वैसे तो मैंने गोभी चेक कर लिया था। और इधर मैं ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज लहसुन और अदरक डाला है। इधर गोभी हमारी गर्म हो गई थी, पानी में बॉयल हो गई थी, तो उसके बाद मैंने उसको छान लिया है। और इधर कुकर में मैंने तेल डाल के जैसे हम लोग नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे ही था। तो मैंने पूरी रेसिपी नहीं शेयर की है, थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग शेयर की है जिससे आपको भी दिखाई दे कि मैं अपने घर के काम कैसे करती हूँ। तो खाना बनाते समय थोड़ा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें कि जैसे ही जो भी गंदा हो रहा है उसको उसी के साथ साफ़ करके चलें, तो बाद में बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है कि खाना बनाने के बाद पूरा किचन साफ़ करना पड़े। तो धीरे धीरे अगर हम साफ़ करते रहते हैं तो वो भी किचन भी क्लीन रहता है। इधर मेरी बेटी का यूनि का ओरिएंटेशन था, उसका यूनिवर्सिटी शुरू होने वाला है मंडे से। तो सैटरडे को यूनिवर्सिटी की तरफ से ओरिएंटेशन रखा गया था जो कि ऑनलाइन था, तो वो अपना ओरिएंटेशन अटेंड कर रही थी। और उसी जगह मेरी छोटी बेटी थी जिसका सैटरडे को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो वो फ्री होके टीवी देख रही थी। तो मैंने थोड़ा सा उसका भी क्लिपिंग रिकॉर्ड किया है कि वो बैठी कार्टून मूवी देख रही है अपना। बाद में वापस किचन में आ गई थी और किचन में सब्जी में मैंने अपने नॉर्मल मसाले जो कि हम लोग डालते हैं, हल्दी नमक मिर्चा धनिया ये सब डाला। थोड़ा सा मैंने मिक्सी के जार में पानी डाल के उसमें जो पेस्ट हो वो भी निकला है, और थोड़ा पानी डालना था जिससे मसाले न जगे तो वो भी डाल दिया है। और इसको हम मसाले को अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे। इसके बाद इसमें मैंने दो मीडियम साइज़ के टोमेटोज थे जिनको चॉप करके मैंने डाला है। आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे लगता है चॉप करके डालने पे भी वो अच्छे से गल जाएगा मसाला, और मसाला भी हमारा भुन जाएगा और टमाटर भी गल जाएगा। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती अभी डाली है, बाकी मैं बाद में ऊपर से डालूँगी गार्निशिंग में। मसाला भूनने के बाद इसमें मैंने अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। मटर को भी मैंने बाद में गर्म पानी में डाल के मिक्स कर दिया था इसमें। तो अभी हमारी सब्जियां इसको हम धीरे धीरे थोड़ा भूनेंगे मसाले में। और मैंने एक साइड गर्म पानी भी चढ़ा दिया है पानी को गर्म होने के लिए। अगर हम इसमें रसम ग्रेवी के लिए गर्म पानी यूज़ करेंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सब्जी में हमने ग्रेवी लगा दी है और इसको मैंने ढक्कन लगा के बंद कर दिया है। अब इसमें मैं दो बेसिल लगा दूंगी। इन द मीन टाइम मैंने इधर अपना सैलड भी कट कर लिया है। तो सैलड में राउंड के बजाय मैं ऐसे छोटे छोटे चॉप कर लेती हूँ, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं।
और इससे इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। इधर मैंने फिर आज छुट्टी है तो मैंने सोचा क्यों ना बूंदी का रायता बना लें। बूंदी का रायता ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग, तो मैंने बूंदी को गर्म पानी में हल्का सा टिप करके निकाल लिया था उसको। फिर मैंने दही में इधर लिया है उसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी दही को, और उसके बाद उसमें मैं चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मल वाइट सॉल्ट मिलाऊंगी। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं डालती हूँ रायते में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और छुट्टी के दिन में थोड़ा ये सब चीज़ें बन जाती है, वरना तो रोज़ आदमी भाग दौड़ में ही बिजी रहता है। तो छुट्टी में कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर दीजिए तो खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है और फील भी होता है कि आज छुट्टी है। तो बहुत तला भुना तो हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें अरेंज करके थोड़ी खाने को हम चेंज कर सकते हैं। तो रायता भी मेरा डन हो गया है, सैलेड भी डन हो गया है, सब्जी बन गई है। इसके बाद मैंने इधर चावल भिगो के रखे थे जिसको मैंने चढ़ा दिया है। अब सब्जी में से प्रेशर निकल गया था तो मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया है। गोभी है इसलिए हम सब्जी को बहुत ज़्यादा चला के नहीं निकालेंगे, मैं नीचे से हल्के हाथ से निकाल लूँ जिससे गोभी हमारी फूटे नहीं। एक्चुअली गोभी बहुत सॉफ्ट होती है, अगर आप उसमें ज़्यादा जैसे लगा देंगे कुकर में तो बहुत एकदम से वो फूट जाएगी, तो वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ा गोभी के पीसेस रहते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो सब्जी मैंने बाउल में निकाल लिया है अपने इसको, इसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ी धनिया पत्ती मैंने बचा के रखी है गार्निशिंग के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ, खाना हमारा सब रेडी हो गया है, सैलेड डन हो गया है, सब्जी हो गई है, चावल बन गया है, रायता बन गया है और सैलेड बन गया है। अभी सिर्फ रोटियाँ बची हैं तो मैं गरम गरम रोटी सेकने आ गई हूँ। तो मैं लास्ट में ही रोटी को सेकती हूँ, सेक के फौरन सबको खाने के लिए मैं बैठा देती हूँ ताकि सबको गरम गरम रोटी मिल सके। कम से कम छुट्टी के दिन तो सबको गर्म खाना मिल ही जाए, तो इतनी मेरी कोशिश रहती है। और मैं रोटी सेक रही थी तभी अचानक से कस के पानी फिर से बरसने लगा, तो मैं किचन की विंडो से ये आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना कस के पानी बरस रहा है, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। फाइनली ये हमारी थाली है, रोटी, रायता, सब्जी, सैलेड और साइड में चावल। तो खाना बनाने के बाद जो हम सभी का काम होता है कि किचन को समेटना है, बर्तन वॉश करने हैं, तो मैं अब अपने इस काम पर आ गई हूँ। बर्तन वर्तन को वॉश करूँगी, रख दूँगी। मेड जो आती है वो सुबह काम करके जाती है, छुट्टी का दिन है, थोड़ा खाने पीने में भी लेट होता है, तो दोपहर के बर्तन फिर मैं खुद ही धुल लेती हूँ। तो देखिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे ये क्लिपिंग लगाई है, अगर इतनी ही जल्दी हमारे रोज़ के बर्तन धुल जाते जैसे हम वीडियोज़ में देख रहे हैं तो कहना ही क्या था। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो अपनी लाइफ का पार्ट है, ये काम करने ही पड़ते हैं। तो मैं अभी बर्तन धुल उल के उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। किचन का काम करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में रेस्ट करने, लेकिन बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी कि कमरे में बहुत आवाज़ भी आ रही थी और हवा भी बहुत तेज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बालकनी में भी देखा जाए क्या हो रहा है। तो ये मेरी बालकनी का व्यू है जिसको मैंने दिन में इधर से बहुत पानी आता है तो मैंने इसको थोड़ा कवर करवा दिया था। और बाकी देख रहे होंगे आप, मेरी छोटी बेटी बारिश में हाथ निकाल के पानी वानी छू रही है, उसको बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ा मार्केट में काम था तो हम लोग मार्केट चले गए। आगे का ब्लॉग मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
तब तक देखते रहिए पूजास लाइफ। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और देखते रहिए पूजास लाइफ। तब तक के लिए बाय बाय।